जय जोहार, स्वागत है आप मन के न्यूज 36 छत्तीसगढ़ के आवाज में। खबर छत्तीसा में आगू बढ़ो। भाजपा प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के जगदलपुर में दिए गए थूके वाला बयान ऊपर कड़ा आपत्ति जतात हुए संवाददाता मन ला संबोधित करत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहिस, ये छत्तीसगढ़िया के अपमान है, किसान मन के अपमान है। पुरंदेश्वरी के बयान के बाद पार्टी कति ले कोनो खंडन या माफीनामा नहीं आए। मुख्यमंत्री कहिस, पूरा भाजपा ये सोचा थे कि ये किसान छत्तीसगढ़िया नफरत के लायक है, एकर हम विरोध करत हन, ये छत्तीसगढ़िया मन से माफी मांगे। वो सबसे बड़ी बात, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पीछे मुड़ के फूंक देंगे, ये सरकार है वो बह जाएगी। आप सबको विदित है ये बात उन्होंने कही और मीडिया में, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, जो प्रमुखता से आप सबने दिखाया। मैं बहुत विनम्रता पूर्वक कहना चाहूंगा, ये जो धरती है छत्तीसगढ़ की धरती, माता कौशल्या की धरती है, ये धरती माता सबरी की है, ये धरती मिनी माता की है, और इसीलिए इस धरती में हमेशा नारियों की को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, जाता रहा है, और नारियों की पूजा होती रही है। समानता का भाव हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। हम केवल काते भर नहीं हैं, बल्कि हमारे व्यवहार में भी आप देखें कि छत्तीसगढ़ में लिंगानुपात यदि कहें तो छत्तीसगढ़ सबसे बढ़िया हमारा छत्तीसगढ़ का है। यहाँ कोई पर्दा प्रथा नहीं है, यहाँ खुलापन है। रात को भी हमारी बेटी बहुएं घूम सकती हैं, आ जा सकती हैं, कार्यक्रम में शामिल होती है। तो छत्तीसगढ़ में हमेशा नारियों का सम्मान रहा है, आदिकाल से हम देख रहे हैं, और आधुनिक युग में भी महिलाओं का सम्मान। इसलिए पुरंदेश्वरी जी के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मेरे लिए वो भी सम्माननीय है। उस दिन भी वक्तव्य दिया था आप लोगों ने, तत्कालिक जब मैं हेलीपैड में उतरा था आप लोगों ने प्रश्न पूछ लिया था, तब भी मैंने यही कहा था। आज जो बातें हैं, एक तरफ उनके जो प्रभारी हैं वो ये कहते हैं कि सबसे बड़ी चुनौती किसान, सबसे बड़ी चुनौती किसान का मुख्यमंत्री होना, और पुरंदेश्वरी जी कहती हैं कि पूरा मंत्रिमंडल थूक से बह जाएगी, ये उनके शब्द हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थूकेंगे तो ये मंत्रिमंडल पूरा बह जाएगा। पहली बात तो ये है कि थूकने का मतलब ये है घृणा करना, नफरत करना, ये थूकने का अर्थ होता है। या कितना घृणा करते हैं, कितनी नफरत आपके मन में है लोगों के प्रति। और दूसरी बात ये है कि ये सरकार किसानों की सरकार है, मुख्यमंत्री मैं तो बाद में हूं, किसान पहले हूं, और इन्होंने किसानों को थूकने की बात कही है। किसानों के प्रति इनके पार्टी की भावनाएं क्या है पूरे देश देख रहा है। किसानों के प्रति, पिछड़े वर्गों के प्रति, अल्पसंख्यकों के प्रति कितनी नफरत है, अनुसूचित जाति जनजाति के प्रति इनके क्या भावनाएं हैं, ये सब लोग देख रहे हैं, और विशेषकर किसान के प्रति। तो मैं पहले किसान हूं, और इन्होंने थूकने की बात जो कही है, किसानों को थूकने की बात, किसान बह जाएंगे, ये मंत्रिमंडल किसका है? 3/4 बहुमत से हम जीत के आए हैं, और ये पूरे छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करती है, ये छत्तीसगढ़ के किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाली मंत्रिमंडल जिसमें हम सब शामिल हैं, और लगातार हम किसानों के हित में काम कर रहे हैं। और उसके भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रभारी के मन में जो नफरत है, जो घृणा है, वो प्रदर्शित होता है कि ये किसान, ये थूकने से किसान बह जाएंगे, एक छत्तीसगढ़ी किसान बह जाएगा।
ये छत्तीसगढ़ का अपमान है, ये किसानों का अपमान है, हम सब का अपमान है जो इसके चिंतन शिविर में उभर के आया है। इनकी सोच ही मुबारक, लेकिन हम छत्तीसगढ़ के लोग हैं, हम किसान हैं, हमारे मन में नफरत नहीं, हमारे मन में हिंसा नहीं, हमारे मन में घृणा नहीं। ये तो प्रेम की धरती है, ये कबीर की धरती है, गुरु घासीदास की धरती है, स्वामी आत्मानंद की धरती है। इस धरती में प्रेम ही बांटा जाता है और ये लोग नफरत की फसल उगा रहे हैं। बेहद दुर्भाग्यजनक, आज इस बयान के बाद तीसरा दिन है, भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई खंडन नहीं आया, उसके तरफ से कोई बयान नहीं आया, उनके तरफ से कोई माफीनामा नहीं आया। इसका मतलब यह है न केवल पुरंदेश्वरी देवी जी बल्कि समूचे भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई सहित राष्ट्रीय नेतृत्व भी ये सोचती है ये किसान नफरत के लायक है, ये छत्तीसगढ़ियां नफरत के लायक है और इसका हम विरोध करते हैं। ये हमारे लिए बेहद, छत्तीसगढ़िया होना, किसान होना हमारे लिए स्वाभिमान की बात है और इसको इन्होंने ललकारा है, चुनौती दी है। हम नफरत की बात नहीं करते लेकिन इनसे उम्मीद करते हैं कि ये पूरे समूचे छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ियों से, छत्तीसगढ़ के किसानों से माफी मांगे। मैं इस माध्यम से, आपके माध्यम से केवल यही कहना चाहता हूं।